प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल बी ब्यूटीफुल विद इन पे। सो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज वाव के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, वाव स्किन साइंस के शैम्पूज एंड कंडीशनर के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं एंड यूट्यूब पे तो हंगामा मचा हुआ है। तो मैंने उनके फेमस प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू वाव का सबसे सबसे फेमस प्रोडक्ट है, वाव का, वाव स्किन साइंस का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। सो मैंने मंगवा लिया है और भी मैंने मंगवाया है कुछ प्रोडक्ट फ्रॉम वाव, दैट इज वाव का स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल शैम्पू, मैंने वाव का मेंस्ट्रुअल कप भी मंगवाया है फ्रेंड्स। तो उन सभी के ऊपर मैं रिव्यू लेकर आऊंगी, अब आगे आप देखेंगे वीडियोज में, तो मैं इसे इस्तेमाल करूंगी और मैं लेकर आऊंगी रिव्यूज इन सब के लिए। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको कह दूं कि ब्यूटी ब्लॉगर होने की वजह से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। मैंने बहुत सारे शैम्पूज के रिव्यूज आपके साथ शेयर किए हैं और आप कहोगे कि मैम हमने एक शैम्पू खरीद लिया आपके कहने पे, आपके रिकमेंडेशन पे, और फिर आप कह रहे हो ये शैम्पू भी बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट शैम्पूज टारगेट डिफरेंट डिफरेंट हेयर प्रॉब्लम्स। सो मैं ट्राई करती हूँ आपके लिए और आपके लिए सॉल्यूशंस लाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे क्या होते हैं, मैंने जैसे गुड वाइब्स का शैम्पू का रिव्यू किया था, उसके नीचे कॉमेंट में आया कि मैम प्लीज आप वाव का भी एप्पल साइडर विनेगर का बताइए। सो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हमें प्रोडक्ट्स बाय करने पड़ते हैं एंड उनका प्रोडक्ट रिव्यू करना पड़ता है, ये हमारा काम है। सो दैट्स व्हाई एंड डियर, मैं एक बात कह दूं कि अगर आपने मेरे रिकमेंडेशन से कोई भी शैम्पू खरीदा है और उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आप उसे ही कंटिन्यू करें, आपको दूसरे पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बना रही हूँ फॉर ऑल द जनरल पब्लिक आउट देयर, कि उनको भी पता चले कि प्रोडक्ट अच्छा है, जो वो क्लेम करता है वो ट्रू है कि नहीं है, ऑनेस्ट ओपिनियंस देती हूँ। सो आज मैं ऐसा एक वीडियो लेकर आई हूँ वाव का हेयर कंडीशनर के बारे में, ओके। सो ये आज प्रोडक्ट रिव्यू इसका करेंगे क्योंकि मैंने इसे स्टार्ट कर लिया यूज कर। सो डियर, ये है वाव स्किन साइंस का कोकोनट मिल्क हेयर कंडीशनर। नाउ फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोकोनट मिल्क हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कोकोनट मिल्क के अंदर बहुत ही ज्यादा विटामिन, मिनरल्स, विटामिन ई, बहुत सारी अच्छी चीजें मौजूद होती है उसमें, मदर्स मिल्क जितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं। सो दैट इज वाई आई गॉट दिस वन। इसमें बहुत सारे और वेरियंट्स भी आते हैं, अगर आपको चेक करने हैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स होंगी, आप वहां से वाव स्किन साइंस के कंडीशनर चूज कर सकते हो, बट द वन आई हैव टेकन इज द कोकोनट मिल्क कंडीशनर, क्योंकि मुझे कोकोनट मिल्क या कोकोनट वर्जन कोकोनट ऑयल काफी पसंद आता है, क्योंकि मैं मालिश भी अपने बालों को कोकोनट मिल्क से कोकोनट ऑयल से ही करती हूँ, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है उसी से करती हूँ। तो मुझे कंडीशनर में भी कोकोनट ही चाहिए था, तो मैंने ये वाला लिया है। इसमें फ्रेंड्स कोई भी मिनरल्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, पैराबीन्स नहीं है, इसमें कोई भी सिलिकॉन्स नहीं है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, तो आपको 100% प्योर कोकोनट मिल्क मिलता है। इसमें DHT ब्लॉकर्स भी है फ्रेंड्स एंड दिस इज मेड विद 100% नेचुरल बायो एक्टिव। मुझे कोकोनट मिल्क बहुत ही ज्यादा पसंद है बिकॉज ये एक सुपर फूड क्लेम किया हुआ प्रोडक्ट है, बिकॉज अगर मदर्स मिल्क की हम बात करें इतना प्योर होता है ये कोकोनट मिल्क और हमारे बालों के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट काम करता है फ्रेंड्स। और ये जो वाव स्किन साइंस का कोकोनट मिल्क कंडीशनर है ना, दिस इज 300 ml का मिलेगा आपको, ये बड़ा बॉटल 300 ml का है और आप काफी लंबे टाइम तक चलने वाला है, बिकॉज मैंने देखा ना एक पंप से ही हो जाता है मेरा काम। सो यस, मैं आपको बताऊंगी आगे मैं कैसे यूज करती हूँ इस प्रोडक्ट को एंड मेरी पूरी फैमिली इसे यूज कर रही है फ्रेंड्स। इसकी MRP है 499 rupees, लेकिन ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप जो मैंने लिंक दी है वो आप जरूर चेकआउट करें। स्पेशल कलर्स, इट इज विथ नेचुरल DHT ब्लॉकर्स जो हमारे बालों को टूटने से बचाता है, इट हैज पावर टू रिड्यूस हेयर लॉस एंड ऑल्सो टू गिव अमेजिंग शाइन टू योर हेयर। सो कोकोनट मिल्क है तो शाइन तो होने वाला है, बनता ही है फ्रेंड्स, इसमें शाइन देना। ये pH बैलेंस्ड भी है, सो काफी अच्छी अच्छी चीजें मुझे लगी इस प्रोडक्ट के बारे में। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि फ्रेंड्स महंगा है, 499 rupees का है, लेकिन काम बहुत ही बेहतरीन करता है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है, जैसे हमको पता ही है कंडीशनर हम शैम्पू के बाद यूज करते हैं। सो सम टिप्स इन्होंने यहाँ पे दी गई है कि शैम्पू हेयर विथ वाव स्किन साइंस कोकोनट मिल्क शैम्पू। सो इसमें कोकोनट मिल्क शैम्पू भी आता है, अगर वही वेरियंट आप यूज करेंगे और उसके बाद कंडीशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आता है यहाँ पे लिखा है। देन यू हैव टू रैप योर हेड इन अ टॉवल और डॉन अ शावर कैप आफ्टर मसाजिंग द कंडीशनर। सो कंडीशनर लगाने के बाद आप एक शावर कैप पहन ले और उसको रहने दे 5 to 7 minutes और उसके बाद उसे धो ले। यहाँ पे ऐसे टिप्स लिखे हैं, देन ट्रीट योर हेयर टू अ वार्म ऑयल मसाज ऑल्सो विद द मिरेकल 10-in-1 मिरेकल ऑयल जो आता है वाव का, वो भी उन्होंने कहा है। सो अगर आप सारे वाव के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, जैसे ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया एंड द कंडीशनर, देन यू विल सी द रिजल्ट, रियली अमेजिंग, रियली ग्रेट रिजल्ट आपको मिलेंगे। नाउ DHT क्या है मैं यहाँ पे दे दूंगी ऑन द स्क्रीन, आप पढ़ सकते हो। ये एक हार्मोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल एंड मॉलनेस, तो टकलापन या गंजापन जो हम बोलते हैं ना, तो वो उसको भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर लेता है। सो DHT
ब्लॉकर कैन हेल्प रिवर्स दी हेयर लॉस, सो इट हैज नेचुरल DHT ब्लॉकर्स इन टू इट। सो सारी डिटेल्स यहाँ पे है DHT, अगर आपको जानना है कि क्या है, एंड यू विल गेट अ रियली स्लीक स्ट्रॉन्ग एंड ग्लॉसी हेयर इफ यू यूज दिस कंडीशनर ऑफ कोकोनट मिल्क कंडीशनर ऑफ वाव। दिस कंडीशनर गिव्स यू इंटेंस नरिशमेंट टू योर हेयर रूट्स एंड शाफ वाइल ब्लॉकिंग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर लॉस। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट कोकोनट मिल्क इज रिच इन लॉरिक एसिड, अ हेल्दी मीडियम चेन फैटी एसिड ऑल्सो फाउंड इन मदर्स मिल्क। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स इसमें केराटिन भी है, सो एज केराटिन मेक्स अप 91% ऑफ हेयर, इट हेल्प्स रिपेयर हेयर डैमेज कॉज बाई हीट या केमिकल्स या पोल्यूशन एंड टैंगलिंग। सो रेगुलर यूसेज ऑफ दिस कंडीशन विल हेल्प यू टू यू नो कंडीशन योर हेयर वेरी नाइसली। और अगर आप बहुत ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट करते हैं, आपके बालों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रिजल्ड हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई टू दिस कोकोनट मिल्क कंडीशनर फ्रेंड्स। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैम अगर हमने अपने बालों को कलर्ड किया है तो क्या ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। दिस कंडीशनर कैन बी यूज ऑन कलर्ड हेयर एज वेल, जैसे आप देख सकते हो मैंने हाईलाइट्स करवाए हैं एंड आई एम यूजिंग दिस। ये बिल्कुल भी आपके कलर को फेड नहीं करेगा एंड इट विल गिव यू अ नाइस हेल्दी शाइन टू योर यू नो हाईलाइट्स या जो भी आपने कलर करवाए हैं बालों को। सो यस फ्रेंड्स, अगर आपको इसका रिव्यू पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन डाउन बिलो। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि मैंने वाव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी मंगवाए हैं, तो इनको टेस्ट करूंगी, यूज करूंगी और मैं लेकर आऊंगी रिव्यू एज सुन एज पॉसिबल। तो उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को, तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लेकर आने वाली हूँ इन फ्यूचर। सो यस फ्रेंड्स, एंड आई रियली रियली लाइक इट। एंड इसके साथ में एक DIY लेकर आने वाली हूँ जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और मैं उस वीडियो में बताऊंगी कि मैं इस कंडीशनर को कैसे यूज है। सो आई यूज इट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ वे, लेकिन लेट मी टेल यू मेरे घर में सभी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस ऑन माई रिकमेंडेशन। उनका भी रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आया है। घर में तो सभी को ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं किस तरह से यूज करती हूँ वो आगे आएगा नेक्स्ट वीक में। तो आप ट्यून्ड रहे एंड सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, अगर मजा आया है तो प्लीज लाइक कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। एंड यस, टिल देन आई सी माय नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। बी ब्यूटीफुल, बी गॉर्जियस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।